Assalamu alaikum khawateen aur azad, welcome to another video word ke pande with farhan jay khwaja and rehan sajid. aaj hum wo baat karne lage hain jo har pakistani asia cup se leke england ke sath jo bhi hamare t20 ho rahe hain abhi tak jiska jawab mang raha hai basically aur jo unko nahi mil pa raha abhi bhi koshishain kar rahe hain ki yaar koi ek umeed nazar aa jaye aur wo hai hamari middle order stability. कुछ 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 पॉजिटिव्स बहुत कम लेकिन कुछ पॉजिटिव्स नजर भी आए उन पे भी बात करेंगे. तो लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से अंदाजा हो गया कि तैमूर मिर्जा द राइजिंग स्टार, नॉट द राइजिंग, ही इज द स्टार इन टेप बॉल क्रिकेट, और जिनकी वजह से टिकटॉक पे तो हर जगह उनकी वीडियोज नजर आती हैं जितने लंबे लंबे वो छक्के मार सकते हैं. तो मूविंग ऑन टू रेहान भाई, आप बताएं जी. फरहान भाई, अगर तैमूर मिर्ज़ा को टेप बॉल का शाहिद अफरीदी ना कहा जाए तो मेरे ख्याल से वो जो हैं वो इसी तरह ही हैं जिस तरह हमारे शाहिद अफरीदी हैं। और आई थिंक टेप बॉल से आसिफ अली आए थे और शादाब खान खेलते रहे हैं, हारिस रऊफ जो जिनकी इतनी पेस है वो जो है वो खेलते रहे हैं, टेप बॉल खेलते रहे हैं। इसके अलावा एक और होते थे लाहौर कलंदर में जाहिद कर्नल के नाम से, जो कि अब आगे आए नहीं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा पेस थी। लेकिन If I'm सवाल not ये wrong, Sohail Tanvir भी. If I'm not wrong, Sohail Tanvir भी टेप बॉल से, सोहेल क्योंकि पिंडी तनवीर में बहुत सोहेल तो बहुत मशहूर थे पिंडी में. तो सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली खेल के तो टेनिस टेनिस ही खेल के आते हैं, टेप बॉल ही खेल के आते हैं, बाद में आके वो हार्ड बॉल खेलते हैं। तो अभी इतना टाइम हो गया है, हमने इतने सारे प्लेयर्स को आजमाया है, खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली हैं, हैदर अली हैं, इफ्तिखार हैं, तो आई थिंक जब इन सारों को मौका मिल चुका है तो तैमूर मिर्ज़ा को भी मेरे ख्याल से तो मिलना ही चाहिए। और उन्होंने खुद बोला है, अब तो उन्होंने खुद बोल दिया कि हमें मिलना चाहिए। नादिर अली की पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने खुद इजहार किया, जिसकी वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। तो फरहान भाई, अब तो प्लेयर खुद बोल रहा है कि पहले मुझे आप पहले खेला है। बिजनेस दिखा देना, पहले आप वीडियो दिखा दें, फिर उसके बाद इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं हम. चलें एक मिनट मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये पॉडकास्ट थी नादिर अली की जिसमें उन्होंने बोला है, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट की वीडियो है, हम देख लेते हैं। पोस्ट बड़ी ठीक वायरल है हो रही है तैमूर सोशल मीडिया पे, मैंने मेरी नजरों के सामने से बहुत दफा गुजरी है कि तैमूर मिर्जा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए, 6 महीने कैंप में रखा जाए और हार्ड जी, हिटर के तौर पे यूज किया जाए, बिल्कुल। वो नजरों से गुजरी है हाँ आपके? हाँ मैंने काफ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं वो भी सेंड कर रहे हैं कि ये पोस्ट देखो यार। हाँ, तो उसके बारे तो में क्या है, लबकुशाही की जाए ना. वो यही है कि यार देखें नादर भाई, आप भी समझते हैं क्रिकेट को, आपने भी खेली होगी माशाल्लाह, जी तो इंटरटेन चाहती है आवाम कि छक्के चौके चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मशहूरी छक्के चौकों की वजह से हैं, सही है तो भाई, मेरे सही ख्याल है. में अभी तो इतना डिफरेंस नहीं है हार्ड बॉल टेप बॉल में जितने भी लड़के खेल रहे हैं, तो हमें चांस मिलना चाहिए। हाँ अच्छा, आप ये आज कह रहे हैं जी, मैं आप, कह रहा हूँ इंशाल्लाह हमें चांस मिलना और चाहिए। अगर चांस मिल गया तो हाँ, आप प्रूव करके प्रूव करके दिखाएंगे दिखाएंगे कि कि यू आर बेस्ट फॉर इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम. हाँ जी फरहान भाई, क्या कहना चाहेंगे? मतलब यार, अब तो वही बात है कि मौका, देखो मौका मिलना चाहिए, मौका तो कहते हैं ना कि मौका तो मिलना चाहिए. आप उनको कैंप में ले गए जाएं, उनको जैसे जो एक प्रॉपर कहते हैं ना कि क्योंकि पॉडकास्ट से पहले आई वुड हैव फील कि मुझे एक लगता हो कि जितनी उनको फेम मिल चुकी है ना, अभी इवन वो तो दुबई में जाते हैं, मैचेस खेलते हैं, कोई 10-10 लाख रुपए उनकी वो हो जाता है. तो एक टेप बॉल प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और टिकटॉक पे जितना नाम कमा चुके हैं. तो अगर वो एक चीज होती है ना कि आके अब वो बोलें कि यार मुझे इतना टाइम जाया करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, तो आई एम नॉट, मैं लाइन में लूंगा. लेकिन अगर बंदे की खुद पर्सनल ख्वाहिश है तो आई थिंक उनको मौका देना चाहिए, पीसीबी को कंसिडर तो करना चाहिए. क्योंकि देखिए हमारी बैटिंग लाइनअप खुशदिल को जितने मौके दे दिए अल्लाह माफ करे, एक हांगकांग के मैच के सिवाय कहीं, या ये एक बात सुनना, पीएसएल में कोई मौका दे, पीएसएल में कोई टीम मौका दे. और पीएसएल में अभी भी फरवरी तक तो फरवरी में मैचेस होते हैं. तो ऐसे ही है। आई थिंक के पर्सनली सितंबर से लेके फरवरी आपके पास गुड गुड 5 to 6 months हैं, आपके पास फोर टू मेरे फाइव ख्याल फाइव टू सिक्स से मंथ मेरे ख्याल ईयर से फोर टू फाइव सॉरी कंफ्यूज कर गया हूँ, फोर टू जी फाइव मंथ्स हैं आपके पास. आप क्या कहते हैं, इनको मौका दें और कैंप में लेके जाएं, इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएं,
क्योंकि आप किसी को ग्रूम करेंगे तो ऐसे आएंगे ना, अगर पीएसएल में हमारी आधी क्या, हमारी तो 80% टीम पीएसएल की है अभी। ऐसा ही है। अब तो सारे T20 के जितने भी प्लेयर्स हम खेल रहे हैं सारे PSL खेल के आते हैं। और देखा जाए ना, अगर हम बात करें तैमूर मिर्ज़ा की, तो अब जिस तरह आसिफ अली हैं, उनका मैंने इतना टेप बॉल में इतना नाम नहीं सुना, मैं उनको बाद में जानता हूँ। मैं बाकियों का तो चलो, मैंने सोहेल तनवीर हो गया, ठीक है, तो सोहेल तनवीर को तो हम पिंडी के हैं ना, सोहेल तनवीर को तो खेलते हुए हमने देखा है कि ऐसे ही वो है। तीन तीन चार चार छक्के मारते थे, ठीक है। तो ऑफकोर्स, लेकिन एक बात यह है कि आसिफ अली तो फैसलाबाद वुल्फ में भी खेल चुके हैं, डोमेस्टिक भी खेल चुके हैं, आई थिंक वो सही है। मिसबा के साथ खेलते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उनके इंटरव्यूज आए हुए हैं कि वो पहले खेलते थे आसिफ अली, और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था हिटर। देखिए, आसिफ अली को मैं कभी भी नहीं करूंगा ब्लेम, क्योंकि आसिफ अली के पास और उनके वो इवन जो इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो है, वो खुद कहते हैं कि यार आसिफ अली को आप लोग ब्लेम करते हैं। उन्होंने एक बार ट्वीट की और लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ पर तो बड़ी गालियां देते हैं, क्यों, क्योंकि वो जी आके आउट हो जाते हैं। और भाई आप ये देखो कि उस बंदे को आप चांस कितना देते हो, उसका स्ट्राइक रेट देखो कि वो ये बॉल जाया कभी नहीं करेगा, बॉल जाया कर। अभी जो एशिया कप का फाइनल है, हम अनफॉर्चुनेटली हार गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम उसको क्या कर सकते थे कि आसिफ अली को थोड़ा सा ऊपर भेज सकते थे, आसिफ अली को हम नवाज की जगह भेजते, खुशदिल की जगह भेजते, उन लोगों ने एक एक ओवर जाया किए और चले गए। एक तो होता ना ओवर जाए, ओवर अगर निकाल दिए तो बाद में फिर हिटिंग भी करें, बॉल जज कर लिए पूरी, आसिफ अली आपको कभी भी ये नहीं करके देंगे। आसिफ अली आपको आएंगे रैपिड फायर में, आपको क्या कहते हैं दो तीन छक्के लगा के आपको वो मैच जो आपका जो बड़ा रन रेट था उसको छोटा बना के चले जाएंगे। अभी जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, राशिद खान को पहली बॉल पे छक्का मार दिया आके, मतलब राशिद खान को कौन पहली बॉल पे छक्का मारता है यार, लेकिन आसिफ अली आया वो छक्का मार के आपका टेंशन ईज आउट की, फिर एक वो छक्का मारा बाद में आपका, ठीक है फिनिश नहीं कर पाते लेकिन आपको एक इस मुकाम पे ले आते हैं कि दूसरे बैट्समैन के लिए आसानी हो। सही है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप जितने भी प्लेयर्स टेप बॉल खेल के आते हैं, जैसे हारिस रऊफ थे, शादाब खान है, जो जो प्लेयर टेप बॉल में अच्छा होता है वो हार्ड बॉल में भी फिर अच्छा कर सकता है, ये आप बात मानते हो? आई मीन यार मानते ही तो चाहिए एक किस्म की, ठीक टेप बॉल से आते हैं हमारे, ये तो ये है कि बचपन से टेप बॉल, अनलेस कोई बहुत ही कोई कहते ना कि किसी वालिद ने क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करवाया हो बचपन से, वो हार्ड बॉल की प्रैक्टिस करता हो, ये वो गली के प्लेयर हैं सारे के सारे टेप बॉल से ही सीखते हैं, शुरू करते हैं फिर उसके बाद कहीं जाके ज्वाइन करें या कुछ करें। लेकिन ऑफकोर्स हार्ड बॉल की एक अलग गेम है, हार्ड बॉल एक टाइमिंग है, एक कंसिस्टेंसी, आपको अपनी उस बाकी चीजों में ये नहीं है कि आपने बस बल्ला उठा के फेंक देना ऐसे करके, ठीक है, लेकिन ये है कि आप ट्रेनिंग देना, आप उनको कैंप में लेके जाएं, आप अगर आपको लगता है कि तैमूर मिर्जा जैसे कहा जा रहा है, जैसे पूरे टिकटॉक पे वायरल नजर भी आता है कि बाकी भी छक्के मारते हैं लेकिन उनके छक्के कुछ ज्यादा ही लंबे जाते हैं, ऑफकोर्स फिजिक भी है बंदे की, जैसे वो हम ये जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं लंबे ब्रॉड शोल्डर्स और उनका एक ऐसा है। उनकी एक शारीरिक है ना, तो वैसी वो तैमूर मिर्जा की एक फिजीक है। अब वैसे आजम खान का मैं क्या मसला, आजम खान का क्या मसला, जान उस बंदे में बहुत है लेकिन उस बेचारे की फिजीक से वो मारा जाता है। ऐसा अभी ही है, सीपीएल में देखें कितने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं आजम खान। लेकिन यार मैं एक आपको बात बताता हूँ, तैमूर मिर्ज़ा की अकॉर्डिंग टू गूगल एज है 33 ईयर्स, ठीक है, 33 साल का है वो, लेकिन वो हमारे इफ्तिखार से तो बड़ा नहीं है ना, जब इफ्तिखार खेल सकता है। भाई इफ्तखार भाई फॉरएवर फॉरएवर 29 है हमारे इफ्तखार भाई, वो अभी तक 30 के हुए ही नहीं है। तो अभी अगर उनको सेलेक्ट करना है तैमूर मिर्ज़ा को, तो अभी कर लें, अपने प्राइम फॉर्म में वो, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद करेंगे तो फिर फायदा भी नहीं है, तो हम अक्सर लेट कर देते हैं कुछ चीजों में, तो आई अक्सर थिंक क्या, अक्सर हम लेट भी कर देते हैं, मिसबा भाई हमारे प्राइम एग्जांपल। वही ना, मतलब लेकिन ये बैतालीस बात से है यार मलिक को देख लो कि ना, मलिक को देख लो। ये मलिक, देखो मलिक की बात ये है ना कि मलिक की एक वो वन ऑफ द कहते हैं ना कि एक बहुत कम बंदों में से है जो उस एज तक भी अपनी फिजिक रख पाए, बहुत कम बंदों से अपनी वो बहुत फिजिक, कम। अभी इस एज पे सिर्फ दो बंदे ऐसे हैं जो अपनी फिजिक अपनी रख पाए, वो मलिक और यूनुस खान है, कि ये दोनों अबव 40 के होके भी ना, इन ये लोग आज भी भाग सकते हैं, आज भी ये लोग रनिंग, आज भी इनकी फील्डिंग अच्छी है, आज भी ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, आप स्पेसिफिक नहीं देखते, आप जनरल देखते हो, जनरल ऐसा तौर ही पे है। यही होता है कि आपकी एज लिमिट होती है उसके बाद आपकी बॉडी जवाब दे देती है,
ऐसा ही है। ठीक है। ऑफकोर्स अब ये है कि पीएसएल में, मुझे पर्सनली ये लगता है कि पीएसएल में मौका मिलना चाहिए। कौन सी टीम पीएसएल उठाएगी वैसे ये बताएं, लाहौर लाहौर कलंदर उठा लेगी, ऐसे रिस्क लोहर के अंदर लेती है जरूर। लेकिन अब नहीं लेती, अब उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, जब जब वैसे तक उनके इस्लाम पास यूनाइटेड डेविड भी उठा वीजा सकती है है। इस्लाम यार भाई सम। यूनाइटेड को तो ऐसे ही प्लेयर चाहिए होते हैं जो बैटिंग में आए, क्या पावर प्ले के अंदर 70-80 रन बनाए चला जाए। लेकिन लाहौर कलंदर जो है ना, उनका अपना एक वो प्लेयर डेवलपमेंट कैंप है, फिर वहां से वो प्लेयर लेके आते हैं और फिर इस तरह, वो लेकिन अमूमन यंग इस्लामाबाद उठाते हैं, का वो अमूमन हाँ जैसे शाहीन हो गया, जमान खान हो गया, वो अमूमन यंग यंग प्लेयर्स उठाते हैं। चले यार, तो आप क्या समझते हैं कि खेलना चाहिए तैमूर मिर्ज़ा को, अपने आखिरी जो है वो रिव्यूज दे दें इस बारे में? सर सिंपल सी बात है, चांस देना चाहिए। अगर इतना ही बड़ा ब्रांड है, इतना ही टीएम तैमूर मिर्ज़ा, एक बहुत बड़ी, जैसे देखे टिकटॉक, अब आपका वो सीन है टिकटॉक पे जो बंदा वायरल है वो पूरे पाकिस्तान में वायरल है, ये यूट्यूब ऐसा ही इंस्टाग्राम ये कोई नहीं देखता। और वो अब जाके टिकटॉक पे तो बहुत अच्छे से वायरल है, ये तो अब यार, यूट्यूब पे जाके इनको हर जगह रिकग्नाइजेशन मिल रही है। पूरा पिंडी, इस्लामाबाद, जितने भी टेप बॉल ये सब जानते हैं तैमूर मिर्ज़ा को। ऑफकोर्स जानते हैं, बाकी और लोग जो व्यूज सिर्फ एज अ देखो फैन ना, सपोर्ट करते हैं जो उनको देखते हैं, देखिए जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उनके मैचेस की, उसमें इतने ज़्यादा व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज होते हैं, और स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा है। और वो तैमूर मिर्ज़ा खुद बोल रहे थे इसी पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला है कि मैं 1 महीने का आराम से 25 25 लाख रुपए आराम से बना लेता हूँ 1 महीने का। तो एक इसका बंदे को मतलब है तुम कि कह रहे हो ना, तो उस बंदे को इतनी टेंशन नहीं, लेकिन एक बंदे को इतनी टेंशन नहीं है, बना रहा है। लेकिन वही बात है कि नेशनल टीम के लिए खेलना किसका ख्वाब नहीं होता, किस क्रिकेटर का ख्वाब नहीं होता। ऐसे ही चले, हम तो दुआ कर सकते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, और कोई अच्छा प्लेयर ऐसा मिले जो मैच फिनिश भी करे। ओके आई फिर, गेस हाँ दैट्स ऑल, मतलब हम तो यही कह सकते हैं कि ये, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनकी कोई भी उनका ओपिनियन है जो भी, आप डू कमेंट डाउन एंड डू सब्सक्राइब दिस पेज बाय द वे, क्योंकि हर मैच की प्री पोस्ट हम लोग क्या कहते हैं बात करेंगे, डिस्कशंस होंगी, और यार मिडिल ऑर्डर का मसला हल करना है। शान मसूद ने चलो अपने आप को प्रूव किया, लेकिन जो हिटर्स हमें अभी भी चाहिए, एक आसिफ पे हम सब के सब वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते वाकई। तो बाकी ऑल टू यू रेहान भाई, आप बताएं एंडिंग करें फिर। मेरे ख्याल से जो भी होगा इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा खेलती इंशाल्लाह। है। और बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। ओके सर, ओके सर।